आइए आज हम आपको इंग्लिश के वाक्यों को कुछ नए तरीकों से बोलना सिखाते हैं। Tell me why did you do that? जिसका मतलब होता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? इसकी जगह कहें, Tell me why you did that. She did a request, जिसका मतलब होता है, उसने एक निवेदन किया। इसकी जगह कहें, She made a request. He left in a bit of hurry, जिसका मतलब होता है, वह कुछ हड़बड़ी में चला गया। इसकी जगह कहें, He left in a bit of hurry. You can try it more, जिसका मतलब होता है, आप और कोशिश कर सकते हैं। इसकी जगह कहें, You can try a few times. Don't feel angry with me, जिसका मतलब होता है, मुझ पर गुस्सा मत करो। इसकी जगह कहें, Don't be mad at me. Why don't stay more time here? जिसका मतलब होता है, यहाँ थोड़ी और देर क्यों नहीं रुक जाते? इसकी जगह कहें, Why don't you stay a little longer? आज से आप इन वाक्यों का उपयोग करें, इससे आपकी अंग्रेजी में सुधार होगा, साथ ही लोगों पर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। इसी तरह मनोरंजक तरीकों से अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें www.11minutesdaily.com।